बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमतुल्स किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको उपमा। ये उपमा वाली में 300 ग्राम, इसे हटकर भी हमको ये चीजों की जरूरत है। ये एक छोटी सी डली प्याज ली, मैं छोटी साइज की, उसको अंडे की प्याज की तरह से कट करके रख ली। ये नमक है 19 ग्राम, एक पिंच हींग है, और ये लेमन सॉल्ट है, ये भी एक पिंच है। राई है ये 4 ग्राम, जीरा 4 ग्राम, उड़द की दाल 4 ग्राम, और ये फली है 30 ग्राम। इसे हटकर हरा मसाले में ये 5 हरी मिर्च है, इसको दो दो पीसेस करके रख ली मैं, और ये 2 करी पत्ते के काड़ियां हैं। इसे हटकर भी हमको ऑयल की जरूरत पड़ेगी। ये 100 ml ऑयल है, और ये असली घी है 1 टेबलस्पून। ये ऑप्शनल है, इसे टेस्ट है सो इसका बढ़ जाता, इसलिए ये आपको अपनी मर्जी से कम ज्यादा करके आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक भगोना ले ली मैं, उसके अंदर ऑयल ऐड कर दी। अब इसमें हम राई डालेंगे, और भगोना जो है आप बड़ी साइज का लीजिए। इसमें थोड़े से काजू भी ऐड कर रही हूँ मैं, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड करिए, चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते आप। इसमें अच्छा भी डाल दीजिए, और हरी मिर्च। अब देखिए, ये हींग जो रखे थे हींग डाल देंगे। प्याज को लाल नहीं करना है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे हम, फिर खाली थोड़ा सा सॉफ्ट होना है प्याज। ये नमक डाल देंगे, मिक्स करेंगे इसको। तो पानी डाल, ये 1700 ml पानी ऐड कर रही हूँ मैं, ये 1.5 लीटर से थोड़ा ज्यादा पानी होता, इसमें पानी अच्छा लगता, क्योंकि ये सूजी जो है इसके अंदर पूरा सूजी पानी अब्जर्व कर लेती। देखिए, लेमन सॉल्ट ऐड करेंगे, और ये सूजी ऐड करेंगे, इसको ऐड करते हुए जाएंगे और हिलाते जाएंगे, इसको कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है हमको, नहीं तो इसको लम्स बन जाते। ऐसा ऐड करेंगे और हिलाते जाएंगे। अगर आपको पानी कम दिख रहा तो आप थोड़ा पानी यहां पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये क्वांटिटी के हिसाब से ली मैं, आपको कम नहीं लगेगा। और देखिए, इसको ढक्कन डाल के पकाएंगे हम, बंद कर देंगे और चूल्हा सिम कर देंगे। अब आप 5-7 मिनट के बाद जब भी थोड़ी सी आवाज आती है इसके अंदर, पानी ड्राई हो गया सो, उसके बाद आप खोल के इसको चेक करना। देखिए, अभी थोड़ा सा और होना है। देखिए, 1-2 मिनट बंद करके रखेंगे, उसके बाद इसको डिशअप कर लेंगे। घी ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर, थोड़ा सा घी बचा रही हूँ गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा हम हरा धनिया डालेंगे, और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। चलिए डिशअप कर लेंगे। देखिए, उपमा रेडी हो गया, एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ में नारियल की चटनी रख रही हूँ सर्व करने के लिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें जाकर इसको चेक कर सकते हैं। एक बार बनाकर देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।